एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर क्या होता है, व्हेन इन बिटवीन टू थिक सेमीकंडक्टर्स अ थिन सेमीकंडक्टर इज फ्यूज्ड। मतलब क्या है, दो थिक सेमीकंडक्टर के बीच में एक थिन सेमीकंडक्टर को हम फ्यूज्ड कर दें, देन द अरेंजमेंट इज सो फॉर्म्ड इज नोन एज ट्रांजिस्टर। और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। एंड इट इज अ बाईजंक्शन डिवाइस, एक बाईजंक्शन डिवाइस बनता है। ठीक है, देखो जरा इसको समझते हैं सिंपल वे में। जैसे सैंडविच देखा होगा आपने, ब्रेड सैंडविच, अब आप उसमें ब्रेड को थिक सेमीकंडक्टर और उसके बीच में जो पोटैटोज होते हैं उनको आप समझो थिन सेमीकंडक्टर। तो ये फ्यूज्ड हो गया ना, दो थिक सेमीकंडक्टर के बीच में एक थिन सेमीकंडक्टर फ्यूज्ड हो गया। तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। जैसे यहां पर देखो, अब ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर दिखाया हुआ है पीएनपी वाला। अब मैं बताऊंगा पीएनपी एनपीएन क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। दो थिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, देखो दो थिक सेमीकंडक्टर हो गए, एक इधर वाला थिक हो गया और ये एक इधर वाला थिक हो गया, और इन दोनों के बीच में एक थिन सेमीकंडक्टर को फ्यूज्ड कर दिया हमने। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिस्टर। और ये बाई जंक्शन डिवाइस है, देख लो दो जंक्शन बन रहे हैं। देखो इन दोनों को देखो आप, यहां पर एक जंक्शन बन रहा है और इन दोनों को देखो यहां पर एक जंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये है बाई जंक्शन डिवाइस। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक, देर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। पीएनपी देखो नाम से ही पता चल रहा है कि दो पी टाइप के थिक सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप का थिन सेमीकंडक्टर हम फ्यूज करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर। लिखा भी हुआ है देखो, व्हेन इन बिटवीन टू थिक पी टाइप सेमीकंडक्टर, टू थिक पी टाइप सेमीकंडक्टर, अ थिन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एक थिन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्यूज कर देंगे किसके बीच में, दो थिक पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। नॉर्मल ट्रांजिस्टर क्या था, जो हम डेफिनेशन बना रहे थे कि दो थिक सेमीकंडक्टर के बीच में एक थिन सेमीकंडक्टर फ्यूज कर देंगे। अब वो दो थिक कौन से होंगे और थिन कौन सा होगा, वो उसके टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमें पता चल रहा है कि अगर पीएनपी है तो थिक होंगे पी टाइप के और थिन होगा एन टाइप का। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, तो यही लिख रखा है, देन द ट्रांजिस्टर सो फॉर्म्ड इज नोन एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। और जो ट्रांजिस्टर फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है। अब देखो जरा, ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया, दो जंक्शन भी हो गए इसके, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं बाई जंक्शन डिवाइस। और ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। थ्री टर्मिनल कैसे, देखो जरा, देखो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये होगा एमिटर, और ये बीच वाला पार्ट होगा ये होगा बेस, और ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है ये होता है कलेक्टर। तो इसके ये जो टर्मिनल्स हैं, ये वाला एमिटर का टर्मिनल हो गया, ये वाला बेस का टर्मिनल हो गया, और ये वाला हमारे पास कलेक्टर का टर्मिनल हो गया। तो ये थ्री टर्मिनल डिवाइस हो गया। मतलब क्या है, बाई जंक्शन एंड थ्री टर्मिनल डिवाइस, दो जंक्शन है और तीन टर्मिनल है जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, तो ये तो था इसका ब्लॉक डायग्राम। अब इसका देखो सिंबल, देखो जरा ये सिंबल बना हुआ है, कैसे बनाया देखो, बहुत ही सिंपल है। ऐसे एक सर्कल बनाओ और यहाँ पर ये बनाया हमने, और एक इस तरीके से लाइन और एक इस तरीके से लाइन। ठीक है, तो यहाँ से एक टर्मिनल ये निकल जाएगा, एक टर्मिनल ये निकल जाएगा, एक टर्मिनल ये निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर, जैसे मान लो ये एमीटर वाली साइड एरो इस तरीके से लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब देखना इसको समझो जरा, देखो एरो इस तरीके से लगा हुआ है, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। देखो करंट कैसे चलता है, पी टू एन चलता है। मतलब अगर हम कहें, जैसे यहाँ पर समझो पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब यहाँ पॉजिटिव में किसको कह रहा हूँ, ये होल्स को, नेगेटिव किसको कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑब्वियसली बात है किस तरीके से जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आते हैं, और करंट कैसे जाएगा फिर, इस तरीके से जाएगा। मतलब पी टू एन हमेशा करंट होता है, तो ये इस तरीके से एरो होगा, तो एरो इस तरीके से है, तो हमें पता चल जाएगा ये पी एन पी है। कैसे, यहाँ पर हम पी लिखेंगे, यहाँ एन लिखेंगे, और यहाँ पर पी लिखेंगे, पी एन पी ट्रांजिस्टर। और जहाँ एरो होगा करंट का, वहीं पर हम लिखेंगे कि वो क्या है, एमीटर है। तो ये वाला एमीटर वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला कलेक्टर हो जाएगा। नहीं तो कई बार आप एमीटर इसको लिख सकते हो, बेस इसको, बेस तो यही रहेगा, और कलेक्टर इसको लिख सकते हो। नहीं, जहां पर एरो होगा ना ये वाला करंट का, उसी को आपने सब क्या लिखना है, एमीटर लिखना है, और दूसरा जो होगा टर्मिनल वो कलेक्टर बन जाएगा। बेस तो है ही है इसमें। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं। ठीक है, तो सिंबल भी आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये बनाया हुआ है, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है हमारे पास। एनपीएन में क्या होगा, देखो यहाँ से ही पता चल रहा है कि दो थिक टाइप के सेमीकंडक्टर कौन से होंगे, एन टाइप वाले, और थिन कौन सा होगा, पी टाइप वाला होगा। मतलब समझ गए, दो थिक टाइप एन वालों के बीच में कौन सा फ्यूज करना है हमें, थिन, ये पी टाइप का। ठीक है, तो यही लिख रखा है देखो, व्हेन इन बिटवीन टू थिक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, अ थिन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फ्यूज्ड, और थिन कौन सा है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर जिसको हम फ्यूज करेंगे, देन द ट्रांजिस्टर इज सो फॉर्म्ड इज नोन एज एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसका भी देखो ब्लॉक डायग्राम यहां पर बनाया हुआ है हमने, ये दिख रहा है सभी को। देखो ये भी पीएनपी की तरह ही बनाया है, बस ये एनपीएन है, तो यहां एन लिख दिया, ये पी और ये एन, ये ऑब्वियसली बात है एमीटर होगा, ये बेस वाला पार्ट होगा, और ये वाला कलेक्टर वाला पार्ट होगा। और सेम इसमें भी हम टर्मिनल निकाल देंगे, एमीटर का ये रहा, इसी तरीके से बेस का हम यहाँ टर्मिनल निकाल देंगे, और कलेक्टर के लिए ये टर्मिनल निकाल देंगे। समझ रहे हो,
इसका भी जो सिंबल है देखो है तो बिल्कुल सेम ऐसा ही, लेकिन सिर्फ किसका फर्क है यहाँ पर, एरो का फर्क है। एरो ऐसे आप जैसे देखो पेपर में भी आपके पास आ जाए इस तरीके से, देखो जैसे ये आपके पास बनाया हुआ है ठीक है, और ये इसके टर्मिनल हो गए ठीक है, और यहाँ पर एरो आपको इस तरीके से दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए बताओ ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ट्रांजिस्टर का सिंबल ट्रांजिस्टर तो है, बट ये NPN होगा या PNP होगा वो कैसे पता चलेगा, ये एरो देखकर ठीक है। तो ये एरो कैसे आ रहा होगा, P2N आ रहा होगा, तो यहाँ P लिखना है यहाँ N लिखना है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या होगा N ही होगा, अल्टरनेट भी लिखते हैं हम, P तो नहीं लिख सकते, PPN बन जाएगा वो तो ठीक है ना। तो ये P और N, फिर यहाँ पर हम देख लेंगे यहाँ P है तो यहाँ N आएगा, जैसे यहाँ पर देखो ये पता चल गया था ये P है और ये वाला N है क्योंकि एरो ऐसे है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या आएगा P आएगा। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ ठीक है। और ये जो एरो वाला है पार्ट, ये वाला कौन सा होगा, एमीटर, और ये वाला बेस, और ये वाला कलेक्टर। अब कई बच्चे सोचते हैं कि इसको इतना समझाने की क्या जरूरत है, हम याद ही रख लेते हैं, ये एरो ऊपर जा रहा है तो ये PNP हो गया, एरो नीचे आ रहा है तो ये कौन सा हो गया, NPN हो गया ठीक है, वो बात सही है, लेकिन ये अगर इस तरीके से बनाया है डायग्राम तब है ये। अब मान लो इस तरीके से डायग्राम है आपके पास, जैसे समझ लो ये इस तरीके से बना दिया ये ठीक है, ये भी एक तो ट्रांजिस्टर ही है, बस लगा इस तरीके से दिया ठीक है। तो इसमें आपके सामने अगर एरो इस तरीके से दिया हुआ हो तो आप कैसे करोगे, ऊपर नीचे वाला सिस्टम तो गड़बड़ हो जाएगा आपका ठीक है ना। तो आप इसमें कैसे देखोगे, जो सिंपल सी मैंने आपको बात बताई है, करंट कैसे जाता है, P2N जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है ये P होगा, ये वाला N होगा, और ये क्या होगा अगेन P होगा, तो ये PNP ट्रांजिस्टर बन जाएगा, और जो एरो वाला है ये एमीटर, ये बेस बनेगा, और ये वाला कलेक्टर बनेगा, समझ रहे हो। जैसे एक और कर लेते हैं इसमें NPN वाले के लिए, ये दिया हुआ है अगर आपको इस तरीके से ठीक है, और यहाँ पर जो एरो है वो ऐसे लगाया हुआ है ठीक है, तो आप कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो हमें पता है P से N ही जाता है, तो P यहाँ बनेगा और ये N, मतलब ये करंट की डायरेक्शन दी होती है एरो से, ये आपको समझना है ठीक है। और ये PN हो गया तो ये क्या होगा, N होगा, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और एरो वाली साइड एमीटर होती है हमेशा, फिर ये तो आपको पता है ये बेस बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बहुत सिंपल सी है कहानी ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं कि ये एमिटर बेस कलेक्ट क्या है ठीक है। तो देखो देर आर 3 मेन रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर, 3 मेन रीजन थे ट्रांजिस्टर के, कौन से थे हमारे पास, एमिटर बेस और कलेक्टर, तो 1 by 1 पढ़ते हैं। देखो एमिटर क्या है, एमिटर क्या है, द रीजन फ्रॉम विच द होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। एमिटर नाम से पता चल रहा है एमिट होंगे, अगर PNP है तो एमिटर यहाँ P बनता है, और अगर NPN है तो एमिटर हमारे पास N बनता है। तो P में क्या होते हैं होल्स, तो होल्स एमिट होंगे, और अगर यहाँ ये N वाला है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ये तो आपको पता ही है ठीक है। तो एमिटर क्या करता है, एमिट करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट कर सकता है और होल्स भी एमिट कर सकता है, डिपेंड करता है कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP है या NPN है ठीक है। एंड इट इज ऑफ मॉडरेट साइज, मॉडरेट साइज, साइज कैसा है इसका, मीडियम, मॉडरेट होता है मतलब मीडियम। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे जो बेस वाला है ये बिल्कुल ही स्मॉल साइज का है, और कलेक्टर वाला थोड़ा मैंने बड़ा बनाया हुआ है, और एमिटर कलेक्टर और बेस के बीच का साइज बनाया हुआ है। जैसे देखो कलेक्टर सबसे बड़ा हो गया, फिर बेस बिल्कुल छोटा हो गया, तो ये क्या है, कलेक्टर से छोटा है और बेस से बड़ा है, इस तरीके से आपने समझना, मीडियम साइज का है ये। कितनी बात समझ में आई है। और ये होता है हैवली डोप्ड, हैवली डोप्ड क्यों होता है, आपको पता है एन टाइप का अगर सेमीकंडक्टर है तो उसमें एन टाइप की इम्प्योरिटी होगी ज्यादा, मतलब कौन सी होती है वो, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तभी तो ये एमिट करेगा ना, तो ये हैवली डोप्ड बनाया जाता है ठीक है। सिमिलरली यहाँ पी में ये भी हैवली डोप्ड होगा, क्योंकि एमिटर साइड हमने कहा ना कि हैवली डोप्ड होगी, क्योंकि यहाँ से होल्स एमिट होंगे, तो यहाँ कौन सी इम्प्योरिटी है, पी टाइप वाली कौन सी होती है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, यहाँ पर होल्स आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ मेजोरिटी कौन बनते हैं, होल्स बनते हैं, और यहाँ पर मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो ऑब्वियस बात है तभी तो ये एमिट होंगे ना जब यहाँ ज्यादा होंगे, तो ये हैवली डोप्ड बनाया जाता है एमिटर वाला पार्ट। क्या इतनी बात क्लियर है, यही चीज याद रखनी है, साइज मीडियम है एमिटर का और हैवली डोप्ड होता है ये ठीक है। बेस क्या है, बेस क्या है, द मिडल लेयर ऑफ द ट्रांजिस्टर, मिडल लेयर है, देख लो यहाँ भी बेस मिडल है और यहाँ भी बेस मिडल है, मिडल लेयर है ट्रांजिस्टर की जिसको हम बेस बोलते हैं, द मिडल लेयर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस, एंड इट इज़ वेरी थिन, थिन है देख लो, पतला है ऑब्वियसली बात है, एंड लाइटली डोप्ड, और ये डोपिंग कहाँ कैसी होगी, यहाँ पर लाइटली होगी, मतलब अगर यहाँ एन की बात है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और यहाँ होल्स की बात है तो यहाँ होल्स भी कम होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है, लाइटली डोप्ड है ठीक है, इम्प्योरिटी बहुत कम है यहाँ पर। और आपको पता है सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी बनती है वो किसकी वजह से बनती है, इम्प्योरिटीज़ की वजह से ही बनती है ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइटली डोपिंग की हुई है इसकी, मतलब यहाँ कम रहेंगे होल्स ठीक है। कलेक्टर की बात करते हैं, देखो थर्ड है कलेक्टर, कलेक्टर पे क्या है बात, देखो द रीजन विच कलेक्ट्स द होल्स, कलेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर कलेक्ट होंगे ठीक है, या तो होल्स कलेक्ट होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे। अगर ये पी वाला है हमारे पास तो यहाँ होल्स हो जाएंगे, और अगर यहाँ एन वाला है तो क्या होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे क्लियर। तो ये लिख रखा है द रीजन विच कलेक्ट्स द होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द एमिटर,
और जो कि एमिट करेगा कौन, एमिटर। तो ऑब्वियसली बात है, देखो कलेक्टर अगर एन है तो एमिटर भी एन है, और यहाँ भी कलेक्टर अगर पी है तो एमिटर भी पी है, तो ये जो एमिट करेगा वो ये कलेक्ट करेगा, यहाँ से भी जो ये एमिट करेगा वो ये कलेक्ट करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको, द रीजन विच कलेक्ट द होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम एमिटर इज कॉल्ड कलेक्टर एंड इट इज लार्ज इन साइज। ऑब्वियसली बात है, कलेक्ट करनी है चीज़ों को तो ये लार्ज इन साइज है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एमिटर, एमिटर से भी बड़ा ही है, ठीक है। एंड मॉडरेटली डोप्ड, मॉडरेटली मतलब मीडियम, मतलब एमिटर तो बहुत हैवीली डोप्ड कर दिया था, बेस वाला हमने वेरी लेस डोप्ड रखा, लाइटली डोप्ड, और कलेक्टर में इन दोनों के बीच वाले डोपिंग किया, मतलब एमिटर से कम और बेस से ज़्यादा, तो दैट इज मॉडरेटली डोप्ड, क्योंकि एमिटर बहुत ज़्यादा डोपिंग वाला है और बेस लेस डोपिंग वाला है, तो कलेक्टर इन दोनों के बीच की डोपिंग वाला होगा, ठीक है, तो मॉडरेटली डोप्ड हो गया। तो ये चीज़ें याद रखनी है, एमिटर हमारा मीडियम साइज का होता है और हैवली डोप्ड होता है, बेस हमारा स्मॉल साइज का होता है और लाइटली डोप्ड होता है, कलेक्टर हमारा क्या होता है, लार्ज साइज एंड मॉडरेटली डोप्ड। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ? ये चीज़ें समझ में आ गई, ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, इसमें बेस एमिटर कलेक्टर क्या करते हैं, क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? और ये सिंबल्स अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं, ये एरो क्या बताते हैं हमें, करंट की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन से ही आप इनका पता लगा सकते हैं ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी है। क्लियर है इतनी बात? बताओ कर लोगे इसको? ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम कॉन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, वो करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।